हेलो गुड इवनिंग नमस्ते, दिस इज योर विकास कलाल, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अपने गांव की खूबसूरत नदी के किनारे अभी शाम के वक्त। और चाहता तो ब्लॉग की शुरुआत सुबह से भी कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं की, उसका रीज़न बाद में जानेंगे। लेकिन अभी कौन कौन है मेरे साथ देखिए। मेरे साथ है युक्ति, गैल और चिया। एक बार जोरदार हाय कर दीजिए। हाय हाय। तो हाय हो चुका है। अब सुबह से ब्लॉग क्यों स्टार्ट नहीं किया, उसका रीजन ये है कि आज है गुरु पूर्णिमा और सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गुरु पूर्णिमा थी, उसी वजह से हम सुबह सुबह गए थे अरणेश्वर महादेव मंदिर और उस पे हम पहले ब्लॉग बना चुके हैं, तो वहाँ का शूट मैंने करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन कुछ शॉट लिए। वहाँ पे हम गए और पूजन वगैरह किया, वहाँ पे मंदिर के अंदर दर्शन वगैरह भी किए हमने और वहाँ पे होम हवन भी किया। और वहाँ पे गए थे सुनील, मैं और निखिल, हम गए थे फैमिली के साथ गए थे और बड़ा ही मज़ा आया। और दोपहर में ढेर सारा काम था, उसी वजह से अपन ने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा और शाम को लेबर वगैरह फ्री करके ब्लॉग बनाने यहाँ आ गया, शांत जगह पे, नदी पे। मतलब कितनी खूबसूरत जगह है, फील कीजिए। पहले आप ब्लॉग में देख चुके हो लेकिन अभी ग्रीननेस बहुत ज़्यादा है, तो अभी एक बार फिर से इंजॉय कर लीजिए और यहाँ के कुछ शॉट देख लीजिए। तो ये थे कुछ प्यारे से शॉट और युक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है, पता नहीं क्या कहना चाहती है, तो सुन लीजिए उसके मन की बात। तो बोलिए। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गैल, तुझे कुछ कहना है क्या? हाँ। क्या कहना है? मेरी न्यूज़ सही कहलाएगी तो जरूर देखना। और तेरे कुछ कहना है क्या? मुझे नहीं। अरे कह दो। अरे वाह। तो ये थी इनके मन की बातें जो इन्होंने की, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वो सुबह वाले महादेव मंदिर के कुछ शॉट रह गए हैं तो वो भी इंजॉय कर ही लीजिए, कर लीजिए। तो ये थे कुछ प्यारे से शॉट मेरे महादेव मंदिर के। और अभी अपन चल रहे वापस घर पे, क्योंकि शाम पूरी तरह से हो चुकी है तो शायद आपको अच्छे से दिखाई ना दे, मतलब विजिबिलिटी दिखाई ना दे, इसलिए अपन घर पे जाके बाकी की बातें करते हैं। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं, उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो वो बैठ के बातें करते हैं। तो अभी अपन घर पे चलते हैं, बाकी की बातें घर पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया सी शॉर्ट क्लिप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि वो क्लिप आपको पसंद आएगी। अभी 2 से 4 दिन पहले क्या हुआ था, मुझे 2 बच्चे मिले थे रास्ते में, अचानक मिल गए तो मैं उनको घर पे छोड़ने गया। मूड था तब मैं ब्लॉग बनाऊं, लेकिन आधा अधूरा बना के मैंने वहीं छोड़ दिया, तो वो शॉर्ट क्लिप देख लीजिए। इतने में अपन घर पे पहुंचे, तो देख लीजिए वो क्लिप। हेलो नमस्ते, दिस इज विकास कलाल, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल विकास की एंट्री एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं जा रहा हूँ रुजिया, मेरे साथ हैं ये 2 बच्चे, एक का नाम है मयंक और दूसरे का नाम है लोकेश। ये मुझे चिड़ियावासा बस स्टैंड पे स्कूल के पास रोते हुए मिले हैं और पता नहीं रास्ता भटक गए हैं। एक इसने कहा है, लोकेश ने कहा है, मयंक ने कहा है कि मैंने अपना घर देखा है, आप मुझे वहाँ छोड़ दो, मेरे मदर साथ में थे, पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ के चले गए, तो रो रहे थे, तो उन्हीं को अभी मैं छोड़ने के लिए जा रहा हूँ उनके घर पे सेफली।
इनका घर तो मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन मयंक ने कहा कि चलो मैं रास्ता बताता हूँ, मुझे घर पे छोड़ाओ, तो अभी वही करने जा रहा हूँ। पहले तो मुझे वो कहीं और ले गया था, 2 किलोमीटर जाके वापस आया, ये इसने कहा यहाँ नहीं है कहीं और, तो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि इनका घर यहीं है, कहाँ है पता नहीं। यहाँ रोकूँ, यहीं रोकूँ? चलो ठीक, चले ऐसे करते ऐसे करते अब ऐसे करते ऐसे करते कैमरे के सामने। वो उनके मदर फादर आ रहे हैं घर वाले, तो ये क्या इनके पिताजी के साथ पीछे पीछे चले गए थे। वाह रोमत, चलो तो अभी चलो सेफली चले गए इनके घर पे। घर वालों ने बताया कि ये बच्चे उनके पापा निकले घर से तो 3 किलोमीटर उनके पीछे पीछे निकल चुके थे, तो चलिए अच्छा है कि मैं वहाँ पे स्कूल पे ही था और वो मुझे मिले और मैं उन्हें छोड़ के आ गया। तो चलिए इन बच्चों को छोड़ के अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर पे, सेफली छोड़ दिया है। यदि कभी आपके साथ भी ऐसा होता है और कोई बच्चा भटक जाए या ऐसा दिखे, तो कम से कम उन्हें पूछ लिया कीजिए, और ऐसा करने से मैं श्योर हूँ कि आपको खुशी महसूस होगी जैसे मुझे हो रही है फिलहाल। तो ये थी वो प्यारी सी शॉर्ट क्लिप जो कि हमने 2-4 दिन पहले शूट की थी। मैं ब्लॉग भी बनाने वाला था, उस दिन भी बहुत सारा काम था। अभी क्या है, मैं कल एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ अपनी कंस्ट्रक्शन साइडों के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि यार आजकल ब्लॉग रेगुलर क्यों नहीं डाल पा रहे भाई, तो उसका रीज़न क्या है ये आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। मतलब कल संडे को वो ब्लॉग बनेगा और मंडे को आप वो ब्लॉग देख सकेंगे। तो अभी ये जो मैंने शॉर्ट क्लिप बनाई थी उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको भी कोई ऐसे रास्ते में मिल जाता है, मतलब छोटा बच्चा वगैरह, तो पूछ लिया कीजिए कम से कम कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है या क्या दिक्कत है, ताकि आप उसकी हेल्प कर सके और उससे आपको खुशी फील होगी जैसे उस क्लिप में मुझे हुई थी। तो अब आते हैं अपनी मेन बात पे, मतलब अपने कमेंट जो सब्सक्राइबर करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बहुत सी बार क्या होता है, आप जो कमेंट करते हैं आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन हो सकता है कुछ गलत फहमी भी हो सकती है। अभी एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया है कि भाई आप राजस्थान के खिलाफ ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको गलत फहमी हुई है, हम सिर्फ इंजॉयमेंट कर रहे थे, हम बता रहे थे हमारे राजस्थान के बारे में कि हमारे यहाँ सिग्नल विग्नल नहीं होता है, हमारे यहाँ देसी स्टाइल में जुगाड़ होते हैं। तो उस बात, उस जुगाड़ को लेकर हमें खुशी थी, तो उस इंजॉयमेंट को हमने फील किया था और आपको कंटेंट के रूप में शो किया था कि हमारे राजस्थान में सिग्नल नहीं होते हैं, हमारे यहाँ सीधा गेट होता है। तो उस बात की खुशी है, राजस्थान का हूँ मैं, मुझे राजस्थान से प्यार है, वीरों की धरती राजस्थान के बिना हिंदुस्तान का आधा इतिहास अधूरा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ ऐसे नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना लाए, गलत फहमियाँ हो सकती है। कमेंट में आप खाली कह दीजिए कि सर आपने यहाँ पे गलत किया या गलत बोला, तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। या आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, वो इंस्टा आईडी मेंशन है। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा आपने क्या कमेंट किया, क्योंकि आपको जो फील हुआ होगा वही आपने कमेंट किया होगा, तो आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन उस गलत फहमी को दूर करना मेरा काम है, तो वो मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको गलत लगा हो तो मैं आपको दिल से सॉरी कहता हूँ। और अपना ब्लॉग लेट क्यों आ रहा है, उस टॉपिक पे अपन कल ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कल के ब्लॉग में उस कमेंट के बेस्ट कमेंट के स्क्रीनशॉट को अपन अगले ब्लॉग में डालने वाले हैं। तो कल का ब्लॉग जो बनेगा मेरे टोटल वर्क पे बनेगा, ताकि आपको पता चल सके कि भाई ब्लॉग लेट क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, ब्लॉग कंटिन्यू क्यों नहीं आ रहे, तो आपको पता चलेगा। एक बार दिल से सॉरी अगर मैंने कोई गलत कमेंट किया हो अपने ब्लॉग में और आपको दिल पे लग गया हो, तो फिर से बोल रहा हूँ सॉरी। तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम, बूम।